हेलो गाइस, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो सॉरी इन्फिनिक्स स्मार्ट हेडफोन है, तो इन्फिनिक्स स्मार्ट हेडफोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शंस है देख सकते हैं आप। तो ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शंस के जरिए स्क्रीन को आप रोटेट कैसे कर सकते हैं और इसके जरिए कैसे आप होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं, तो आज हम बताने वाले हैं कि होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ कैसे करेंगे और रोटेट कैसे कर पाएंगे स्क्रीन को, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, फिर आपको इसमें स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाता है और सेटिंग्स पर जाते ही आपके फ़ोन की ऑल सेटिंग्स आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शंस के जरिए स्क्रीन को रोटेट कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको इस पर जाना होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग्स पे। तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, जहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है ऑटो रोटेट स्क्रीन, जिसको आप कुछ इस तरीके से ऑन कर सकते हैं और ऑन करते हैं तो इसके जरिए स्क्रीन को आप रोटेट कर सकते हैं और स्क्रीन को रोटेट करके स्क्रीन को बदल सकते हैं। जैसे घुमाना चाहते हैं तो स्क्रीन को घुमा भी सकते हैं आप, और इसको ऑफ कर देंगे तो आप स्क्रीन रोटेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने इसको ऑफ कर दिया। तो इस ऑप्शन के जरिए होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं और स्क्रीन भी रोटेट कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ से सर्च करके भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं, बस आपको सर्च करना है ऑटो रोटेट स्क्रीन। तो यहाँ सर्च करते ही ऑटो रोटेट स्क्रीन पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया, इस पे जाकर देखते हैं कि आप ऑटो रोटेट स्क्रीन पे जाकर स्क्रीन को यहाँ से ऑन करके इसके जरिए स्क्रीन को रोटेट कर पाएंगे, और ऑफ़ कर दें तो इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो।